सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ वैसे स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग का पता है कि 26 जुलाई इसका लास्ट डेट था और आज हो गया 27 जुलाई। तो फ्रेंड्स, आप लोग का अब बात आ जाता है कि भैया च्वाइस फिलिंग तो हो गया, उसके बाद का क्या प्रोसेस है। काफी स्टूडेंट मैसेज भी कर रहे थे कि भैया च्वाइस फिलिंग मैंने कर दिया हूँ अपने रैंक के बेसिस पर और जिस तरह से होना था मैं कर दिया हूँ, अब बताइए कि हम लोग का एडमिशन में क्या क्या प्रोसेस होगा च्वाइस फिलिंग के बाद। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ कि जब आप च्वाइस फिलिंग कर लेते हो तो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए क्या क्या और आगे प्रोसेस करना होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड टिल एडमिशन तक आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। भाई यहाँ पर अपग्रेडेशन रूल होता है, काफी से स्टूडेंट से ये पूछते हैं कि भैया मेरा यूआर रैंक तो बहुत ज्यादा है लेकिन कैटेगरी से मिलेगा क्या, क्या यूआर से मिलता है कि कैटेगरी से मिलता है, कब मुझे जाना रहता है ये भी कहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है, एक सब कहाँ पर मिलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा भी, आपको समझाऊंगा भी कि कौन सा कैटेगरी से मिलेगा, कहाँ पर जाना है, किस डेट में जाना है, ये सारा चीज आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। लंबा थोड़ा हो सकता है वीडियो लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपको च्वाइस फिलिंग के बाद आपको क्या करने हैं। ओके फ्रेंड, तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है एक कि बस आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि अपडेट हमेशा प्रॉपर मिलता है यहाँ पर, कुछ इस तरह का नहीं जिससे आपको टाइम लॉस हो। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि आप लोग को पता है कि च्वाइस फिलिंग के लिए आप लोग का UGC ID पासवर्ड डाले होंगे, साइनिंग किए होंगे तो आप च्वाइस फिलिंग किए होंगे। ओके, ये आपको भली भांति पता है। तो उसी तरह से जब आपको च्वाइस फिलिंग हो गया है तो अब जो है आपको 31 जुलाई को आपको रिजल्ट आएगा, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा। तो अब बात आ जाता है कि जब सीट अलॉटमेंट आएगा तो हमें चेक कैसे करनी है, प्रॉपर कैसे हमको पता चलेगा कि हमें कहां से चेक करना। तो यही आपका जो जिस तरह से आप यहां पर च्वाइस फिलिंग किए होंगे इसी वेबसाइट पर आना है और यहां पर जैसे कि देख सकते हो UGAC ID है, पासवर्ड है, सेक्रेटरी पिन है। सेक्रेटरी पिन डालने के बाद उसके बाद साइनिंग करना होगा तो आपको ऑफिशियल पेज पर जाना होगा। पेज कैसा है वो भी मैं स्क्रीनशॉट पिछले साल का लिया हूँ, वो आपको मैं दिखा कर आपको प्रॉपर समझाता हूँ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हाँ, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि इस तरह से आप लोग का च्वाइस फिलिंग आया था पिछले इस बार, तो आप लोग च्वाइस फिलिंग किए होंगे सभी स्टूडेंट, जिस तरह से यहाँ पर टोटल अवेलेबल च्वाइस दिखा रहा होगा, यहाँ पर फिल जो भी आप फिल किए थे ये सब दिखा रहा था, उसके बाद अनफिल जो भी नहीं किए हो तो यहाँ पर दिखा रहा था, लॉग था कि अनलॉग यहाँ पर आपको दिखा रहा था। ओके, अब जो है आप लोग का रिजल्ट चेक करने के लिए इसी पेज पर आना है, आपको OTP जाएगा, OTP से लॉगिन कर लेना है, तो इस तरह से आ जाओगे, सिंपल है। यहाँ पर आने के बाद आपको देखो यहाँ पर अवेलेबल सर्विस में था, पहले तो प्रोफाइल दिखा रहा था, अवेलेबल च्वाइस दिखा रहा था, च्वाइस फिलिंग दिखा रहा था, यहाँ पर च्वाइस लॉकिंग का भी ऑप्शन था, ये सब आप लोग का पहले था जब च्वाइस फिलिंग कर रहे होंगे, इतना तक तो था। नीचे में आपको ये नहीं था सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, तो जब आपका 31 जुलाई को आएगा तो सीट अलॉटमेंट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर पोर्टल में दिखेगा, यहीं पर आप क्लिक करना है आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें अपग्रेडेशन का रूल होता है वो भी मैं समझाने वाला हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिले कि जब आपका च्वाइस जब रिजल्ट आए तो प्रॉपर इसी तरह से आप देख पाओ। ओके, तो यहाँ पर जैसे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आगे मैं दिखा देता हूँ आगे किस तरह से रहेंगे, जैसे आगे मैं बढ़ता हूँ तो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। जब वहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से, मैं स्क्रीन शॉट इसका लेकर मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको बाद में जब आप डाउनलोड करो तो प्रॉपर आपको आइडिया मिल जाए कि हमें किस तरह से च्वाइस इसको क्या कहते हैं सीट अलॉटमेंट चेक करना है। तो उस तरह से एक्टिविटी लिस्ट में आपको फिर जैसे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, सबमिट बिल्गनेस। सबमिट बिल्गनेस का मतलब होता है अपना इच्छा जाहिर करना कि आप पार्टिकुलर जो भी कॉलेज मिला है, जो भी आपको ब्रांच मिला है उसमें संतुष्ट हो कि नहीं, यानी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, यही आपको इसका मतलब होता है। उसके बाद डाउनलोड सबमिट यहाँ पर है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट होता है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप जो है यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी आपको दिखा देगा सबसे पहले कि आपका जो भी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है जो कंप्लीट है, आपको बिलगनेस सबमिट करना है जैसे कि इनकम्प्लीट रहेगा जैसे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो, उसके बाद डाउनलोड तो नहीं किए हो तो इनकम्प्लीट लिखेगा। तो सबसे पहले आपको बिलगनेस इच्छा जाहिर करना होगा कि हमें जो कॉलेज मिला है, हमें जो ब्रांच मिला है उसी में लेना है कि नहीं, उसके बाद डाउनलोड होगा। तो दो प्रोसेस होगा आपको डाउनलोड करने के लिए, अपना इच्छा जाहिर यानी कि बिलगनेस सबमिशन होगा, उसके बाद डाउनलोड करना होगा। तो उसके बाद क्या करना होगा, जैसे कि मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ स्क्रीनशॉट को लेकर। तो देखो यहाँ पर सीट अलॉटमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले तो पहल का जो भी आपका कॉलेज है और जो भी ब्रांच मिले यहाँ पर दिखा देगा, जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर दिखा देगा, ऑप्शन दिखा देगा कि कौन सा ऑप्शन नंबर वाला मिला है आपको, कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है, तभी तो तुम अपग्रेड करोगे या तो फिर बिलगनेस देकर आप फ्रीज करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है, तो तुम ऐसे ही कैसे बिलगनेस दे दोगे कि मुझे यही कॉलेज में लेना है या नहीं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर पहले रिजल्ट दिखा देता है, छोटा सा डाउनलोड नहीं होगा, बस दिखा देगा कि आपको लेना है तो बिलगनेस जाहिर करना है। उसी में आपको प्रोग्राम नाम रहेगा जैसे कौन सा ब्रांच मिला है, रैंक क्या था, कौन सा कैटेगरी से लॉट किया है, ये सारा चीज़ रहेगा। यहाँ पर रैंक आपको दिखाएगा जैसे 3448 पर देख सकते हो, इसको सिविल में मुंगेर में मिला था। ओके अलॉटेड जो कि है यहाँ पर देख सकते हो अलॉटेड कैटेगरी यूआर से हुआ था। तो देखो इसमें कुछ भी अगर आपको कैटेगरी रैंक है तो सबसे पहले कैटेगरी से देता है, उसके बाद यूआर से रैंक से देता है अगर कैटेगरी नहीं रहता है तो ये समझिए। तो सबसे पहले जो है आपको बिलगनेस आपको सबमिट करना होगा, क्योंकि आपको तो रिजल्ट दिखा दिया कि आपको ये सब मिला है, तब आप अनुमान लगाओगे कि मुझे मुंगेर में लेना है कि नहीं लेना है, यानी कि आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें लेना है कि नहीं लेना, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद सेकंड में है यहीं पर आप देख रहे हो सबमिट बिलगनेस, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो आगे मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर मैंने जैसे कि देख सकते हो सबमिट बिलगनेस पर ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर बिलगनेस सिलेक्शन बोल रहा, सबसे पहले फ्रीज अपग्रेडेशन नोट अलाउ, सेकेंड दिखा रहा है ऑटो अपग्रेडेशन यस। तो यहीं पर आपको मार खा जाता है, बहुत से स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा पहले, ऐसा नहीं कि कुछ भी भर के डाउनलोड कर लिए। तो डाउनलोड तभी होगा जब तक आप बिलगनेस नहीं दोगे तब तक नहीं होगा, बिलगनेस दोगे तभी। तो इससे सोच समझ के करना, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में इसको कर दिए। तो आपको जब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीज का, ओके ये फ्रीज का ऑप्शन है, इसमें हो गया कि आपको फर्स्ट राउंड में जैसे इस स्टूडेंट को मुंगेर में सिविल मिला था, तो अगर इसी में कॉलेज इसको लेना होगा या तो आपको मान लेते हैं कि गया मिल गया, इसी में आपको प्रॉपर ब्रांच मिल गया है, प्रॉपर कॉलेज मिल गया है, आपका सेटिस्फेक्शन संतुष्ट है, आपको लगता है कि मुझे यही लेना है, तो आप फ्रीज के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ोगे तो मैं दिखाता हूँ, या तो फिर ऑटो अपग्रेडेशन करोगे यस करोगे, सेकंड का मतलब हुआ ऑटो अपग्रेडेशन यस, यानी कि आपको ये कॉलेज जो मिला है, ये जो ब्रांच मिला है, इसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको सेकंड राउंड में जाने के लिए आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो सेकंड वाला दबाना, नहीं तो यहीं पर आपको कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ उल्टा पुल्टा किया तुम्हारा सीट गया, सीट क्या गया वहां पर, आपको अगर मान लेते तुमको अपग्रेडेशन करना था, सेकंड राउंड में जाना था, तुम फ्रीज कर दियो तो फिर तुमको अलाउ नहीं है, वहीं पर आपको जो भी कॉलेज जो भी खराब मिला है, खराब ब्रांच मिला, वहीं पर लेना होगा। इसीलिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं पहले वीडियो में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम तो बहुत से स्टूडेंट गलती करेंगे जल्दी से डाउनलोड करने के लिए। ये मैंने पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, मैं प्रॉपर गाइडेंस दे देता हूँ, क्योंकि ये करोगे बहुत से स्टूडेंट ऐसा करता है फिर उनको माथा में टेंशन होता है, इसीलिए मैं पहले बता दिया हूँ। फ्रीज करोगे जब उसी कॉलेज में लेना होगा तभी, ऑटो अपग्रेडेशन वही करोगे जो आपको सेकेंड राउंड में जाना होगा तभी। ओके ये जब आप कर लेते हो तो अगला मैं स्क्रीनशॉट लगाया हूँ जो कि मैं पहले पिछले मैं बताया हूँ पिछले साल के कि कैसे आप डाउनलोड करोगे, उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो प्रॉपर वीडियो है कि आपको कैसे कैसे डाउनलोड करना है। ये तो मैं स्क्रीनशॉट वहीं से उठाया हूँ जो मैंने पिछले साल बताया हूँ, तो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि यहाँ से अगर आप अच्छे से ना समझ पाओ तो वहाँ से आप डाउनलोड करने के लिए सीख जाओ पहले से ही, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ओके उसके बाद जैसे ही वहाँ पर इच्छा जाहिर करते हो तो आपको ऐसे थोड़े नहीं कि इच्छा जाहिर कर दोगे तो आपको कोई भी कर देगा, तो आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड जब सबमिट कर देते हो ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑथेंटिकेशन कर देते हो तो आगे जो है
जब आपको ये चीज हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको बिल्गनेस का ऑप्शन पर आपको दिखा देगा, जैसे कि यहाँ पर गिवन बिल्गनेस डिटेल्स, आपको अपग्रेड किए हो तो यहाँ पर अपग्रेड, डेट और टाइम दे देगा, क्योंकि अगर दूसरा करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं तो अपग्रेड नहीं किया हूँ, कोई करता है तो आपको टाइमिंग भी दे देगा कि कब किए हो, आपको आईडी एड्रेस बता देगा कि हाँ तुम कर दिए हो अपग्रेडेशन, अब जो है सिंपल जो है डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर करोगे, तो अब जो है सिंपली यहाँ पर तीसरा का ऑप्शन है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट, वहां पर क्लिक करते हैं। ओके, उसका भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट, इसका मैंने वीडियो प्रॉपर बना दिया हूं, वो देख लेना, मैं पहले भी बताया। ओके, उसके बाद यहां पर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है क्योंकि आप बिल्गनेस सबमिट कर दिए हो, उसके बाद सारा कॉलेज दे देगा, दिखा देगा, उसके बाद डाउनलोड आपको सीट अलॉटमेंट करना है। अब मैं दिखा देता हूं प्रॉपर, जो एक स्टूडेंट का, दो स्टूडेंट का, तीन स्टूडेंट का मैंने सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है अभी, वो मैं दिखा देता हूं पिछले साल का, ताकि आपको आइडिया मिले कि कौन सा कैटेगरी से मिलता है, कब जाना होता है, कैसा उसका जब सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे तो कैसा दिखेगा, वो सारा चीज मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, जब सीट अलॉटमेंट के बाद क्या क्या सब होता है तो यहां पर मैं दिखाता हूं। तो जैसे आपको इसी टाइप से आपको आएगा, जैसे सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करोगे तो ये पिछले साल का है, देख सकते हो फर्स्ट राउंड का ही है, जे मेंस के बेसिस पर ही आया था ये अंडर ग्रेजुएट के लिए, यानी इंजीनियरिंग के लिए। आपको ऊपर में सारा चीज़ फोटो वगैरह सारा चीज़ रहेगा, यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट आपका डिक्लेरेशन रहेगा, जैसे कि इस स्टूडेंट का निर्भय कुमार नाम है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी रैंक आपको लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव चूजन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड अलॉटेड कैटेगरी EBC। यहाँ पर आपको प्रॉपर आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा कैटेगरी से अलॉट हुआ है, कौन सा आपको ब्रांच मिला है, कौन सा आपको कॉलेज मिला है। जैसे कि यहाँ पर चूजन कंप्यूटर साइंस किया है, अलॉटेड था जो EBC कैटेगरी से इसको हुआ है। उसके बाद नीचे में देखोगे तो आपको कॉलेज जो है इसको मिला है बक्सर मिला है, जो कि कंप्यूटर साइंस, किस रैंक पर, तो इसको 1060 था, क्योंकि पिछले साल ऐसे भी जानते हो कि कटअप जो था कंप्यूटर साइंस बहुत ही कम कॉलेज में था, इस बार और भी बढ़ा है, स्पेशलाइजेशन भी बढ़ाया है, तो इस बार तो मिलेगा, अभी तो ये फर्स्ट राउंड का काफ़ी देख सकते हो 260 पर गया था कंप्यूटर साइंस के लिए बक्सर का। ओके, हो सकता है कि इसी में लिया होगा, आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन रहेंगे, नीचे में आओगे तो थंब इम्प्रेशन आपको देना होगा, जब आपको जहाँ पर भी कॉलेज में जाओगे तो ये आप लगाना वहीं पर, उसके बाद फुल सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश करना होगा। ओके, सिग्नेचर अपना, उसके बाद डेट आपको रहेगा, फिर नीचे में आओगे, फिर नीचे में आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि सीट अलॉटमेंट ऑर्डर के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, जो भी नाम रहेगा, पता रहेगा, जो भी कॉलेज मिला है सारा चीज़ लिखेगा। अब जो है बात आ जाता है कि भैया हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर जाना है, तो जैसे जैसे कि देख सकते हो पिछले साल जो था बक्सर का बख्तियारपुर में चल रहा था कॉलेज, तो यहीं पर रिपोर्टिंग सेंटर बक्सर का BC बख्तियारपुर में दिया है। रिपोर्टिंग डेट आपको लिखा हुआ रहेगा इसी अलॉटमेंट लेटर में, कि देख सकते हो जैसे कि इस स्टूडेंट को 3/8 से, यानी 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में जाना था, इन्होंने ऑटो अपग्रेडेशन नो किया था, वो तो मैंने बस दिखाया था ना वहाँ पर, कोई और स्टूडेंट्स का होगा तो स्क्रीनशॉट मैंने लगा के दिखाया था कि इस तरह से आपको होगा, ताकि गड़बड़ ना कर दो उस टाइम, इन्होंने स्टूडेंट ने नो किया है, यानी कि यही कॉलेज इसको चाहिए, बक्सर में ही कंप्यूटर चाहिए, इसीलिए ये नो किया है। अदरवाइज अगर इसको ऊपर वाला अगर कॉलेज चाहता तो यस करता, तो आपको सेकेंड राउंड में जाना पड़ता। और आपको इम्पोर्टेंस लास्ट में बताऊंगा कि कैसे सीट कैंसिल होता है, आपको मैं बता दूंगा, ताकि आप गलती ये ना करना। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको लिखा हुआ रहेगा रिमार्क में जंप ओवर EBC अलॉटेड कैटेगरी रैंक, जो भी अलॉटेड कैटेगरी से मिलेगा, यहाँ पर आपका रैंक भी रहेगा और कैटेगरी भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लास्ट में बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देखे होंगे उनको कहीं ना ही प्रॉब्लम हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट हैव टू फिजिकली रिपोर्ट विथ देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट रिपोर्टिंग सेंटर। देखो, अगर आप अपग्रेडेशन कर देते हो यहाँ से ऑफिशियल, जैसे मैंने आपको बताया, अगर अपग्रेडेशन में यस करते हो, फिर भी जो अभी आपको कॉलेज मिलता है वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, वहां पर जो है आपको जो जीरोक्स रहेगा वो सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा,
आपको ओरिजिनल आपको दे देगा तो आप सेकेंड राउंड में जाओगे। अदर देन जो स्टूडेंट यहाँ पर कर देते हैं अपग्रेडेशन कर देते हैं लेकिन सीट अलॉटमेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं जाते हैं फर्स्ट राउंड में, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल देना चाहता हूँ कि सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट नहीं करेगा जब तक कि फिजिकली तुम फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज मिला है वहां पर जाके अपग्रेड नहीं करते हो। ऑफिशियल तो करना ही है और बाकी जाके आपको भी करना है वहां पर कि मुझे अपग्रेड करना है, या तो फिजिकली आपको वहीं पर एडमिशन लेना है फिर भी आपको जाना होगा। तो दोनों केस में आपको अपग्रेडेशन करो या तो फ्रीज करो, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्स्ट राउंड वाला में आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ओके, सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे इतना तक वीडियो देख लिए हैं तो। ओके, तो इस तरह से आप लोग का सीट अलॉटमेंट भी आएगा, और कोई भी डाउट है तो क्वायरी है तो आप कमेंट करो। ये सब चीजें आपको इसी तरह का रहेगा, सेम टू सेम इसी तरह से फोटो लोगो आपको इसी तरह का रहेगा। मैं इतना बता दिया, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ लेकिन प्रॉपर मैं चाहता हूं कि गाइडलाइंस दूं ताकि कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।